कैमूर जिला पुलिस को 50 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी कैमूर पहाड़ी का है। कैमूर से लेकर रोहतास और उत्तर प्रदेश तक घटना को अंजाम देता था। रोहतास के नौहाटा थाने के गंजा घाटी के रहने वाला यह नक्सली है। कई चर्चित अपहरण की घटनाओं को यह अंजाम दे चुका था। 22 वर्ष की उम्र से ही एमसीएम पार्टी में यह शामिल हो गया था। वही कैमूर एसपी का कहना है कि कैमूर पहाड़ी के कुख्यात नक्सली है जो एक दर्जन अपहरण कर चुका है, जिसमें वन विभाग के रेंजर के अपहरण और उत्तर प्रदेश के व्यवसायी डीलर का अपहरण के साथ साथ कई घटना को अंजाम दे चुका है। गुप्त सूचना पर भभुआ डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिससे हमें बड़ी कामयाबी मिली है। टीम के पुलिस अधिकारी को इसके कारण सम्मानित किया जाएगा। तीन लोग का पैसा बाकी था, बार बार प्रेशर और दबाव बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मेरी जान बच जाएगी और मेरा आर्म्स लाइसेंस भी मिल जाएगा। मतलब क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या किए? कितना तुम्हारा उम्र हुआ? कितना? 40। शुरुआत कहाँ से किया? उम्र कितना था कि शुरू किया? भाई के मार दिया मॉडल एनसीसी, उसी समय मार जब दिया तो हमने मार दिया एनसीसी। और इसका कार्य क्षेत्र अधौरा से लेकर के रोहतास का पहाड़ी इलाका था। ये पहले नक्सली था, बाद में ये अपराधी हो गया और खुल के अपहरण की घटनाओं को अंजाम देता था। फिरौती विशेष तौर पर फिरौती होती है जो अपहरण की घटनाओं, इस पर एक दर्जन से अभी तक कांड मिले हैं, जिसमें हत्या, नक्सली कांड और अपहरण के कांड भी, जिसमें ये फरार चल रहा था। इसको न्यायालय से अस्थायी वारंट भी है और इस पर 50,000 का इनाम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा घोषित किया गया है।